व्हाट्सएप का ऐसे ऐसे बॉक्सिंग की दुनिया। आई एम यश गुप्ता, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वाइल्डक्राफ्ट के बैकपैक की, जो एक टैग बैकपैक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने रखा हुआ ये बैकपैक, तो इसी का आज अपन रिव्यू करने वाले हैं। तो ये रहा इसका टैग, पहले इसके टैग को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप MRP देख सकते हो, 3300 रुपीज़ दी हुई है। टैग बैग 35 ब्लू दिया गया है। बैक साइज देख सकते हो यहाँ 53 LBH में जो दी गई है, 53 40 17। मैनुफैक्चरिंग डेट आप देख सकते हो यहाँ पर, और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो बैंगलोर में हुई है। और ये अपन को 5 ईयर्स तक की वारंटी देता है बैकपैक। और जो इसका कपड़ा है, जो मतलब इसका मटेरियल यूज़ किया गया है, वो नायलॉन से किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक पैक 35। इसकी क्वालिटी की बात करता हूँ तो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देता है, और ये वाटर रेजिस्टेंट है। मैं ये कहूँगा आप इसे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मैंने आपको सेंटीमीटर्स में जो LBH है वो बता दिया है। तो अब इस बैग की जो देखते हैं किस तरीके का है अंदर से, और क्या क्या अपन को इसके अंदर दिख जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके जो बैंड्स हैं, बैंड्स की बात करूंगा, तो इनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मिलती है। मैं इसको कम से कम 5 डेज से यूज़ कर रहा हूँ, और ये ज़्यादा ख़राब नहीं, मतलब इसने जो हैवी है ये 750 ग्राम्स का है, और ये सामान बहुत ज़्यादा तक अंदर अपने कर लेता है। आपके कपड़े वगैरह और जो भी आपके गैजेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। वाइल्डक्राफ्ट की ब्रांडिंग दी हुई है। साइड्स की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटल के लिए जगह मिलती है एक इस साइड, और इस साइड भी अपन को बॉटल के लिए जगह मिल जाती है। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ये इसलिए दिया गया कि जब आप सामान इसके अंदर रखेंगे तो ये स्पेस आपको देगा थोड़ी सी खोलने के बाद। इसके बाद फर्स्ट चेन में जाते हैं अपन, फर्स्ट चेन की देखते हैं कितना स्पेस मिल जाता है अपन को। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, और ये चेन पूरी ही खुल जाती है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन दूसरी चेन की तरफ अपनी। तो आप यहाँ पर इसकी स्पीड देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है अपन को। और ये अंदर साइड पे अपनी जो वो रहती है, अंदर जो बैकबोन होती है इसको बिल्कुल सीधा रखता है ये। इसके अंदर अपन को मेटल दिया गया है, आप देख सकते हो, जो बैकबोन को ज़्यादा दर्द नहीं होता है अपनी। इसमें सिर्फ 2 ही चेन मिलती है अपन को, पर स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। और यहाँ पे बैंड्स दिख जाते हैं जिससे आपका कोई बैकपैक ज़्यादा ना खोल पाए, और आपको भी आसानी जाए सामान निकालने में। अब बैक साइड की बात करते हैं अपन, तो अपन बैक साइड की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके जो अंदर क्वालिटी है इसकी, ये अपन को बहुत आराम देती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वाइल्डक्राफ्ट की ब्रांडिंग दी हुई है। आप इसे आराम से बड़े सफ़र के लिए यूज़ कर सकते हो अगर आप सिंगल जा रहे हो। ये बैग चाहे कितना ही भारी हो जाए, ये जो इसकी ये बैंड्स मिलते हैं बड़े वाले, वो अपन को शोल्डर्स पे दर्द नहीं करते हैं और कंफर्ट देते हैं। ड्यूरेबिलिटी की बात करता हूँ तो ये काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चैनल मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो पर।